हेलो एवरीवन, तो हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं बोगनविला जाने के लिए। ये यापोर्ट साइड में है और हम लोगों के घर से हाफ एन आवर का डिस्टेंस है, तो आप लोग भी देखते रहिए आगे। तो हम लोग आके जाके थोड़ा रुकेंगे, हम लोग के फ्रेंड्स भी जा रहे हैं और एक बेबी भी है साथ में, तो मायरा का भी पूरा एंजॉयमेंट हो जाएगा आज, जिसका नाम आदि है। मायरा का फ्रेंड का नाम सारा दिन मायरा लेती रहती है और आदि को ये आदा बोल के बुलाती है। ये हम लोगों ने सिखाया नहीं है, खुद ब खुद ही बोलती है। तो चलिए चलते हैं। दिल में गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही है, बट क्लाउडी है थोड़ा। और ये देखिए, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, लगभग पहुँच ही गए, बट और थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ऐसे नज़ारे देखने के लिए तो बहुत दूर ही जा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा क्लाउडी हो गया है अभी। तो हम लोग पहुँच ही गए यहाँ पे, जो हम लोग आके देखा कि गेट बंद है। सिक्योरिटी को फ़ोन करने से गेट खोल के दिया, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो जाता है। सबका एंट्री होने से उन लोगों को मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा भीड़ होने के कारण ये लोग गेट लगा के रखते। फिल्म में बोगनविला का एंट्रेंस इतना सुंदर है, तो मन भर ही गया देख के। अभी हम लोग पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क करके इसके बाद अंदर जाएंगे। तो आप लोगों को दिखेगा हर जगह पे मैं अपने पति को बुलाती हूँ, उसके बाद एक फ़ोटो खिंचवाती हूँ। बाप रे बाप, उसको फ़ोटो खींचने का मन ही नहीं है। देखिए पकड़ पकड़ के फ़ोटो खींचना पड़ता है उसके साथ। और मैं और मेरी बेटी तो फ़ोटो खींचते ही रहते हैं, क्योंकि मेरा बहुत शौक़ है फ़ोटो खींचने का। तो मैं जहाँ जाती हूँ फ़ोटो कैमरा ये सब लेके ही मैं बिज़ी रहती हूँ। तो वही है, और क्या करें। देखिए छोटी सी ज़िंदगी है, उसको पूरा एंजॉय करना चाहिए, जो अच्छा लगे वही करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई मिल गया था, उसका कॉलिक है, तो उन्हीं से बात कर रहे थे। अभी हम लोग इस साइड के जो रेस्टोरेंट है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो ये नया बना है उस पर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है ये जगह। एक्चुअल में मैं पहले भी जाके यहाँ पे रह चुकी हूँ। यहाँ पे स्टे करने के लिए भी बहुत अच्छा है, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है। तो मैं बहुत पहले गई थी, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉगिंग कर लूँ और इस टाइम को पूरा कैप्चर कर लूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी इसको देख सकती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए, और अगर आप लोगों का मन है तो आप लोग गुवाहाटी आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस है, पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, और व्यूज़ तो आप लोग देख ही पाएंगे मेरे ब्लॉग पे। तो आप लोग भी आके विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ही लगा मुझे, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा फील होगा। स्टे भी कर सकते हैं और ऐसे रेस्टोरेंट्स पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप लोग। तो अभी हम लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, और खाना आते शायद टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने खाना ऑर्डर करके बाहर थोड़ा निकल गए हवा खाने के लिए, और थोड़ा ऐसे ही टहलने के लिए। बच्ची तो एक जगह पे बैठी नहीं रहती है मेरी, बहुत ही दुष्ट हो चुकी है ये, बहुत शैतानी करती है। देखिए इसका फेस, अभी ही बोल रही है मुझे नीचे छोड़ो, मुझे इधर जाना है उधर।
घर जाना है, ये बहुत ही नटखट है मेरी लड़की। फिर भी ठीक ही है, बच्चे तो नटखट होने ही चाहिए, अभी तो शैतानी करेगी ना, बाद में बड़े होके थोड़ी शैतानी करेगी। तो ये इसके पापा के साथ निकल के आई और इसके पापा इसके साथ फ़ोटो खींचना बहुत ही पसंद करते हैं। देखिए तब फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो इसके फ़ोटो खींचने का टाइम नहीं है। और अभी देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा रील्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट उसके पास तो कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, एक जगह खड़ा भी नहीं होगा ये। और यहाँ पे मायरा का फ्रेंड आदि क्या पोज दे रहा है, वाह वाह वाह। और अभी आ गया हम लोगों का यहाँ पे मैंगो शेक, तो हम लोग मैंगो शेक पी रहे हैं, बट मेरी लड़की को भी मैंगो शेक पीना है तो ये तो पी नहीं पा रही है, इसका पापा थोड़ा इसको टेस्ट करा रहे हैं। और हम लोगों ने तंदूरी चिकन ऑर्डर किया था, ये बहुत ही अच्छा था। हर जगह में तंदूरी चिकन खा के अच्छा नहीं लगता है, सॉफ्ट नहीं होने से, बहुत ही लाजवाब था। और चाउमीन भी सॉफ्ट था, अच्छा लगा, खाना बहुत ही अच्छा था। अभी हम लोग खाना खा के थोड़ा टहल रहे हैं, आसपास जाएंगे पूरा, ये थोड़ा घूम लेते हैं। अभी ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये भी एक रेस्टोरेंट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और स्टे करने के लिए दूसरे साइड में है। और यहाँ पे आप लोग पूरा टहल सकते हैं, खुला जगह है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आदि और माया को छोड़ दिया था नीचे, तो ये लोग पूरा एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बड़ों के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए भी और अच्छा है। देखिए ये लोग पूरा खुश हो गए, खुला जगह है तो अच्छा लग रहा है इन लोगों को। और मायरा तो पूरा दौड़ रही थी, उसको पकड़ना मुश्किल हो गया, आने वाली भी नहीं थी वहाँ से। और इसके सामने ही एक सिटिंग एरिया है, वहाँ पे बार बार जा रही थी मायरा। और ये पूरा मतलब इसको कहाँ जाना है खुद ही समझ नहीं पा रही है, इधर से उधर दौड़ रही है, पूरा खुला जगह था तो इसको बहुत ही मज़ा आया। तो अभी हम लोग निकल जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि एक डेढ़ घंटा टाइम लग जाएगा जाम होने से, और थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए हम लोग निकल जा रहे हैं। शाम भी हो गया है और मायरा को देखिए उसका आने का बिल्कुल भी मन नहीं है, उसको और खेलना है, ज़ोर ज़बरदस्ती उसको उठाया गोदी में। और तो अभी हम लोग निकल गए। बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर से ब्लॉग पे।